क्या आपको भी बार बार हिचकी की समस्या हो रही है? तो इसे किसी शुभ या किसी प्रकार के अवधारणा से जोड़ने के बजाय आप इसे प्रॉपर इलाज कराएं। आपको बता दें कि हिचकी आना वैसे तो सामान्य है, लेकिन अगर बार बार एक दिन में ज़्यादा वक्त में हिचकी आ रही है तो इसे हल्के फुल्के में लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 48 घंटे से ज़्यादा वक्त से हिचकी अगर आ रही है तो फौरन डॉक्टर की सलाह लें, इसका कारण जानें। दरअसल ज़्यादा देर तक हिचकी आना सीरियस मेडिकल कंडीशन का लक्षण है। हालांकि कई बार हिचकी कई दिनों तक बरकरार रहती है। हिचकी आने के पीछे कई वजह हो सकती है। न्यूरोसर्जन डॉक्टर्स का कहना होता है कि हिचकी आना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अगर ज़्यादा दिनों तक हिचकी लगातार आ रही है तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज करना ठीक नहीं होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर हिचकी आने के साथ ही बेहोशी भी आ रही है तो फौरन मरीज को डॉक्टर के पास लेके जाएं। वह कहते हैं कि आमतौर पर हिचकी में गैस्ट्रिक इरिटेशन या फिर पेट में होने वाले मूवमेंट की वजह से होता है। हाई फॉर्म इरिटेशन हिचकी की वजह से ज़्यादा मिर्च मसाले खाने और पेट में गड़बड़ी की वजह से भी हिचकी हो सकती है। हालांकि हिचकी का कोई स्पष्ट कारण जो है पता नहीं है। हिचकी कई वजहों से होती है और हिचकी की वजह से हम जो हवा सेवन करते हैं उसका क्षण भर के लिए अवरुद्ध होना भी होता है। अक्सर हिचकी समय अचानक शुरू हो जाती है और हिचकी को चिकित्सकीय रूप में डायफ्रामिक स्पंदन के रूप में भी जाना जाता है। और आपको बता दें कि इसके जो प्रमुख लक्षण होते हैं, हिचकी आने की वजह से जीवन शैली में अनियमितता का होना होता है। अगर आप ज़्यादा मिर्च मसाले खा रहे हैं या फिर हिचकी की समस्या है तो आपको बता दें कि यह आपके पेट में गैस में होने वाले पाचन प्रक्रिया को भी गड़बड़ कर सकता है और हिचकी आपको आती रहेंगी तब तक। सोडा पानी पीने और ड्रिंक्स करने से भी हिचकी आती है। अक्सर अवसाद की वजह से भी हिचकी का आना देखा गया है। तो कुछ हिचकी की ये कुछ वजहें हैं, कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से लोगों को हिचकियाँ आती रहती हैं। तो अगर आपको भी ऐसे ही लंबे समय से हिचकी आ रहा है तो उसे जरूर किसी चिकित्सक को सलाह लें। ये थी आज की जानकारी। आपको पसंद आई होगी तो अपने राय हमें कमेंट दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट, नए इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।